हुजूर गौसे आदम गौसुल सखलैन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मन अक्रम हाज़िहिल अय्याम अल अशरता अक्रमहुल्लाहु तआला बिअशरी करामात। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कि जो इन दस दिनों की इज्जत करता है, भाई इबादत करके इताअत करके इज्जत करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला दस अपनी तरफ से खुसूसी इज्जतें देकर उस आदमी को बाइज्जत बना देता है। जो इन दस दिनों की इज्जत करता है अल्लाह ताला उसको बाइज्जत बना देता है। क्या क्या है? हुजूर गौसे आदम ने फरमाया भाई अल बरकतु फी उम्री। पहली चीज अल्लाह की तरफ से उस बंदे को मिलती है जो इन दस दिनों की इज्जत करता है, पहली चीज यह है कि उसकी उम्र में बरकत दी जाती है। भाई उम्र में बरकत मिलती है जो इन दस दिनों की इज्जत करने वाला। वह ज़ियादत फी माली, माल में इजाफा होता है। तीसरी चीज वल हिफ्ज़ु लियालिही, उसके बाल बच्चों की हिफाजत होती है। चौथी चीज वह तकफीरु लिसय्यिआतिही, उसके गुनाहों का कफारा हो जाता है। वह तज़ईफु लिहसनातिही, पांचवी चीज है उसकी नेकियों को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। बंदा एक नेकी करता है तो सैकड़ों नेकियों का सवाब मिल जाता है। फिर उसके बाद सरकार गौसे आदम ने फरमाया कि वह तस्हीरु लिसकरातिही, सबसे बड़ी दौलत। भाई इन दिनों की इज्जत करने वाला जो है, एक तो उम्र में इजाफा है। भाई उम्र में कितना भी इजाफा हो मगर एक ना एक दिन तो जाना ही है, बस मरना ही है। उम्र में इजाफा होता है, माल में ज्यादती होती है, छूटने वाला माल है, बच्चे छूटने वाले हैं उनकी हिफाजत होती है, गुनाहों का कफारा हो जाता है, नेकियों में बहुत ज्यादा तरक्की हो जाती है, मगर सबसे बड़ी दौलत इन दिनों की इज्जत करने वाले के हिस्से में आती है कि वह तस्हीर उली सकरात ही, सकरात के वक्त, मौत के वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आसानी पैदा कर दी जाती है। जो इन दस दिनों की इज्जत करता है, ये दस दिन बड़े कीमती दिन है, बड़े कीमती दिन है। फिर सरकार गौसे आदम ने फरमाया कि वफ़िया उली ज़ुलुमाती ही, फिर आइंदा की जितनी तारीकियां हैं, दुनिया की तारीकियां हो या आखिरत की तारीकियां, तारीकियां मौत की तारीकी है, बीमारियों की तारीकी है, कब्र की तारीकी है, हश्र की तारीकी है, सारी तारीकियां और अंधेरे जो हैं, उन सारे अंधेरों के लिए अल्लाह ताला एक रोशनी पैदा करता है, जो उस बंदे के लिए रोशनी का सामान पैदा करता है। फिर उसके बाद सरकार गौसे आदम ने फरमाया वह तस्कीरुल मीज़ानी, कियामत के दिन जब तराजू कायम किया जाएगा नेकियां और बदियां तोले जाने का, तो उस वक्त नेकियों का पल्ला भारी कर दिया जाता है जो इन दस दिनों की इज्जत करता है। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि वन नजात मिन दरकाती ही, जहन्नम के जितने मकामात हैं उससे उस बंदे को नजात मिल जाती है। जहन्नम के किसी भी मकाम में वो नहीं जा सकता, जहन्नम से बच जाता है। फिर उसके बाद आप फरमाते हैं कि बस सऊद वाला दरजाती ही, जन्नत के दर्जों में तरक्की भी उस बंदे को दी जाती है। सिर्फ जन्नत में दाखिला नहीं बल्कि जन्नत में दर्जे जो है उसमें तरक्की भी दी जाती है। फिर उसके बाद आप फरमाते हैं कि वमन तसद्दका फी हाज़िहिल अय्याम अल अश्र बि सदक़तिन अला मिस्कीनिन फकअन्नमा तसद्दका अला अंबियाइही व रुसुलिही। आप फरमाते हैं कि जो आदमी इन दस दिनों में से किसी भी दिन किसी मिस्कीन और फकीर और मोहताज को कोई सदका देता है, खैरात करता है, वो आदमी ऐसा ही है जैसे सारे नबियों और रसूलों की बारगाह में तोहफा पेश कर दिया। नबियों की बारगाह में तोहफा पेश करने का एजाज किसको मिलता है? तोहफा पेश कर दिया। फिर उसके बाद आप फरमाते हैं वमन आदा फीहा मरीदन फकअन्नमा आदा औलिया अल्लाही व बुदला। आप फरमाते हैं कि जो आदमी इन दस दिनों में से किसी बीमार की इयादत करता है, बीमार की मिजाज पुर्सी करता है, वो आदमी ऐसा ही है जैसे रूए जमीन के पूरे औलिया की इयादत कर ली, पूरे वलियों की इयादत किया। उसके बाद आप फरमाते हैं वमन शय्या जनाजतन फका अन्नमा शय्या जनाजत शुहदाई। जो आदमी इन दिनों में से किसी भी दिन किसी जनाजे को सहारा देता है, उठाता है, वो ऐसा ही है जैसे कि अल्लाह के सारे शहीदों के जनाजों को सहारा दिया। इतना बड़ा दर्जा इन दिनों में बंदे का उसकी नेकियों का बढ़ा दिया जाता है। वमन कसा मुमिनन कसाहुल्लाहु ताला मिन हुललिही। फिर आप फरमाते हैं कि जो आदमी किसी मोमिन को कपड़े पहनाता है, लिबास पहनाता है इन दिनों में,
अल्लाह ताला जन्नत के हुल्ले और वहां के लिबास उसको पहनाता है। तो इस तरह बहुत ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से लुत्फ़ो करम की इस महीने में बारिश होती है। फिर आप फरमाते हैं कि जो आदमी इन 10 दिनों में किसी यतीम के साथ लुत्फ़ो करम का मामला करता है तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में उस बंदे को बिठाकर करम का मामला करता है। फिर खास तौर पे अब आज जो आप आए हैं इन दिनों में यहां तशरीफ लाए, ये मजलिस इल्म है, कुरान और हदीस की मजलिस है, तो इसका क्या फायदा है? तो आप फरमाते हैं वमन हदर मजलिसम मिन मजालिस इल्म फकअन्नमा हदर मजालिस औलिया इल अंबिया इल्लाहि व रुसुली। आप फरमाते हैं कि इन 10 दिनों में से किसी दिन कोई भी शख्स इल्म की मजलिसों में से किसी मजलिस और जलसे में शिरकत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी और बंदे को नबियों और रसूलों की मजलिस में शिरकत करने का सवाब अता फरमाता है। ये इन 10 दिनों की बरकत है। कोई नेकी छोटे दर्जे में उसका सवाब नहीं दिया जाता, बहुत बड़ा के दिया जाता है। ये इसका बहुत बड़ा खास मामला है इन दिनों।